नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सबा शाहिद शेख। पार्ट टाइम एक्ट्रेस और फुल टाइम एक्टिविस्ट सौरा भास्कर ने अपने फैंस को एक सोशल मीडिया पोस्ट से चौंका दिया, जिसमें वो दुल्हन के अवतार में नजर आई। कुछ दोस्तों और करीबियों की मौजूदगी में सौरा ने समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद से कोर्ट मैरिज कर ली। इसके बाद लोगों ने सौरा को उनके ही एक पुराने ट्वीट को लेकर ट्रोल करना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने फहद अहमद को भाई कहकर संबोधित किया था। वहीं सौरा के उस ट्वीट पर विश्व हिंदू परिषद नेता साध्वी प्राची ने भी ट्वीट कर ट्रोल किया। क्या कहा साध्वी प्राची ने, देखिए आज की इस रिपोर्ट में। साध्वी प्राची ने सौरा भास्कर और फहद अहमद की शादी पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सौरा भास्कर ने शायद श्रद्धा वालकर के 35 टुकड़े नहीं देखे, बस एक बार फ्रिज देख लेती। जब बेटियां इस तरह का काम करती है तो कभी सूटकेस और कभी बोरों में मिलती है। साध्वी प्राची ने कहा कि टीना डाबी ने भी ऐसा ही किया था। अगर सौरा भास्कर में जरा भी संस्कार बचे होंगे तो जल्द घर वापसी करेगी। वहीं साध्वी प्राची ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बरेली में दिए उस बयान का भी समर्थन किया, जिसमें उन्होंने सभी भारत वंशियों के पूर्वजों को हिंदू बताया था। आपको बता दें कि मोहन भागवत ने कहा था कि जाति का भेदभाव छोड़िए, प्रत्येक भारतीय के पूर्वज हिंदू थे। दरअसल जैसे ही लोगों को पता चला कि फिल्म अभिनेत्री सौरा भास्कर ने समाजवादी पार्टी के नेता फहद अहमद से शादी कर ली है, लोगों ने सौरा के उस पुरानी पोस्ट पर सवाल उठाना शुरू कर दिया, जिसमें उन्होंने बर्थडे विश करते समय फहद अहमद को भाई कह दिया था। लोगों ने पूछा कि जिससे कुछ दिनों बाद शादी करने वाली थी, उसे भाई कैसे कह सकती हो। आपको बता दें, सौरा भास्कर ने कुछ समय पहले एक पोस्ट किया था, जिसमें उनके साथ फहद अहमद नजर आ रहे थे। इस पोस्ट के साथ उन्होंने लिखा था, हैप्पी बर्थडे फहद मियां, भाई का आत्मविश्वास बरकरार रहे, फहद अहमद खुश रहो, सेटल हो जाओ, तुम बूढ़े हो रहे हो, अब शादी करो, तुम्हारा बर्थडे और साल शानदार रहे दोस्त। सौरा भास्कर और फहद अहमद ने स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी की है, लेकिन दोनों की शादी पहले ही दिन से विवादों में आ गई है। फहद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र हैं। ऐसे में एएमयू के पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष फैजुल हसन ने सौरा और फहद को शादी के बाद यूनिवर्सिटी में आने का न्योता दिया, जिसके बाद छात्रों के बीच विवाद काफी गहरा गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।